स्पेशल आरपी आपकी क्लास होती है, जो आज की क्लास में हम जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरपी आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड आरपी आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के। हमारा 50 में 50 का टारगेट है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए पंच सिद्धांत का रचयिता कौन है। आपको पंच सिद्धांत का बतानी है किसकी रचना है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। वरामीर, भास्कर, आर भट्ट या फिर ब्रह्मगुप्त, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वरामीर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, पंच सिद्धांत का रचयिता वरामीर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसे आप लोग याद रखिएगा, वरामीर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, बताइए ट्रक कृषि किससे संबंधित है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो ट्रक कृषि है किससे संबंधित है, ऑप्शन दिए गए हैं, साग सब्जी से, दूध से, अनाज से या फिर मुर्गी पालन से। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साग सब्जी से संबंधित है। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, ट्रक कृषि साग सब्जी संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, बताइए अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है। आपको बताना है अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है, साबरमती, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है, और ये गुजरात का शहर है। कहाँ पर है, गुजरात का शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, साबरमती नदी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। मूसी नदी ऑप्शन में भी नहीं है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसा है। अलग अलग शहर हैं दोनों, दोनों भारत की अलग अलग सिटी हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबर नदी किनारे स्थित है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। आपको बताना है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम किस शहर में स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भारत का पहला ओपन रॉक मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई या फिर मैसूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चेन्नई करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हैदराबाद। अब ये जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, बताइए इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, इससे बाहर आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। डेली क्लास को देखिएगा, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रधनुषी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, इन सभी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए,
सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, एक क्वेश्चन खेल से संबंधित पूछा जाएगा परीक्षा में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा फुटबॉल से, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फुटबॉल से संबंधित है फेडरेशन कप, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, इस बार आप सभी के राइट आंसर है बहुत अच्छे। सेवन के लिए आंसर करिए, बताइए टॉर्च में किस तरफ का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है टॉर्च में किस तरफ का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए, एक दो क्वेश्चन आज की क्लास में रिपीटेड हो सकते हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है टॉर्च में किस तरफ का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण का, क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर आठ के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा होगा आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1936 में, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1936 में हुआ था, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आठ का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका 1936, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 31 मई को, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी इसका राइट आंसर होगा, 31 मई को मनाया जाता है, यस मई को मनाया जाता है 31 मई को, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉर्मल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हॉर्मल महोत्सव है ये कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 10 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। अब आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव मुख्यता किस राज्य से संबंधित है, अगर पूछा जाए मुख्यता किस राज्य से संबंधित है तो आप लोग बताइएगा हॉर्नबिल महोत्सव मुख्यता कहाँ मनाया जाता है, 10 दिन मनाया जाता है, अभी आपको बताना है कहाँ पर किस राज्य में, सभी जल्दी से आंसर करिए। झारखंड करेक्ट आंसर नहीं होगा, नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मुख्यता नागालैंड से संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा नागालैंड में मुख्यता सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव और यह 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताइए सबसे अधिक भारत में जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, आपसे पूछा गया है भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा वेस्ट बंगाल में, क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला पीला या फिर रंगहीन, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गुड बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा, आपके आंसर गलत हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्का नीला होता है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ओजोन गैस का जो रंग है
हल्का नीला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछा जाए इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, क्या पूछ लें परीक्षा में, ओजोन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा O3, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, बताइए भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा। इससे बार आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी इसका आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। 14 के लिए आंसर करिएगा, बताइए सैयद अहमद खान किस विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, इन्होंने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ए करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 14 का। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कई बार मैंने आपको बताया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और यहाँ पर पूछा गया है सैयद अहमद खान ने किसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इनमें से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट कार्ड को, यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, बताइए मानव के किस अंग में रक्त का उत्पादन होता है, मानव के शरीर में किस अंग में आपसे पूछा गया है रक्त का उत्पादन होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 17 के लिए आंसर करिएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाते हैं, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3 दिसंबर को, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 3 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 7, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या 7 थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, 7 करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे परीक्षा में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, बताइए मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए मध्य प्रदेश निम्न में से किस राज्य के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात राजस्थान बिहार या फिर महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिहार, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बिहार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बाकी गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र इन सभी के साथ करता है, सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, आपको शाहजहां के बचपन का नाम बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा खुर्रम, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, खुर्रम करेक्ट आंसर होगा, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, झारखंड में जो सरहुल पर्व है किस ऋतु में मनाया जाता है, ये आपको बताना है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सभी लोग दीजिए राइट या रॉन्ग, आप लोग आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सरहुल पर्व मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, ये झारखंड से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है,
झारखंड से संबंधित है और किस ऋतु मनाया जाता है? वसंत ऋतु में। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, वसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए मौर्यवंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको मौर्यवंश के अंतिम सम्राट बताने हैं कौन थे। मौर्यवंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मैंने आपको कई बार बताया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बृहद्रथ। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बृहद्रथ मौर्यवंश के अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? पारादीप पोर्ट आपको बताना है भारत में कहाँ पर है। पारादीप बंदरगाह, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 24 के लिए आंसर करिए। बताइए सीडी राइट किसका यस्क है? आपको बताना है सीडी राइट किसका यस्क है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक लोह अयस्क है सीडी राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 24 का ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा, जो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति है ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉरिंग हेस्टिंग्स से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, वॉरिंग हेस्टिंग्स से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 25 का ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है भारत में? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बांसुरी। बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेइंग इट माई वे। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? गुड मॉर्निंग, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से क्या सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कई बार मैंने आपको बताया बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कहाँ पर है बंगलुरु? कर्नाटका में, कर्नाटक की राजधानी है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है इसे। भारत की पहली टेलीकॉम सिटी भी है बंगलुरु। बाकी आप लोग याद रखिएगा, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए पारसियों की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? आपको पारसियों की प्रमुख पुस्तक बतानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवेस्ता पारसियों से संबंधित है। बाइबल ईसाई धर्म से संबंधित है। कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित है। गीता हिंदू धर्म से संबंधित है। चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, उस घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाभिनिष्क्रमण। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, महाभिनिष्क्रमण। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूर्य महोत्सव निम्न में से किस शहर से संबंधित है, किस शहर में आयोजन होता है, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 का, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जयपुर या फिर हैदराबाद, इस प्रकार से ऑप्शन है, सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा होगा आप लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरुवनंतपुरम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, सूर्य महोत्सव तिरुवनंतपुरम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए निम्न में से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तस्मान सागर, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, विटामिन B7 का केमिकल नेम बताइए, विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या है। बी करेक्ट आंसर होगा, बायोटिन। क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बायोटिन विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर ने। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी पूछ लेते हैं परीक्षा में 1707 में, उस समय जो मराठा साम्राज्य इसका नेतृत्व किसके हाथों में था, डी करेक्ट आंसर होगा, ताराबाई के हाथों में था। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, आपको भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बताने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन है और दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, जाकिर हुसैन करेक्ट आंसर होगा। 38 के लिए आंसर करिए, हुमायूं नामा किसकी रचना है, आपको हुमायूं नामा के लेखक बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुलबदन बेगम। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, 2018 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी लोग स्टडी पर फोकस कीजिए, इसका आंसर करिए अभी क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है, ये एक चर्च है, ईसाई धर्म से संबंधित है और ये एक चर्च है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैड्रिड में, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, स्पेन के मैड्रिड में, कहां पर, स्पेन के मैड्रिड में सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर है, मैड्रिड करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्लियामेंट द्वारा, संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, आपको बताना है किस सदन में ये पूछा गया है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, किसमें यह प्रावधान किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 इससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों में से किसी भी सदन में, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, आपको बताना है बांदीपुर अभ्यारण कहां पर है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बांदीपुर अभ्यारण कहां पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्नाटका में, क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, कर्नाटका में बांदीपुर अभ्यारण,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, आपको बताना है यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइए यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बेसबॉल। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए क्या है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उज्जैन का प्राचीन नाम आपको बताना है, उज्जैन छिप्रा या सिप्रा नदी किनारे बसा है महाकालेश्वर मंदिर, आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में है और मध्य प्रदेश का शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अवंत का, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है अवंत का। मध्य प्रदेश में है उज्जैन और प्राचीन नाम उज्जैन का अवंत का है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 45 के लिए आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, बताइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जबलपुर में। डी करेक्ट आंसर होगा, जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है। 46 के लिए आंसर करिए, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। क्या पूछा गया, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल। ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का, जो स्मैश शब्द है वॉलीबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए, बताइए दोस्तों मोहिनीअट्टम नृत्य मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केरल, केरल से संबंधित है। 48 के लिए आंसर करिए, इन धनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है इन धनुष में कितने रंग होते हैं। सब इसका आंसर करिएगा, 10, 7, 8 या फिर 9, 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 7। यस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा इन धनुष में 7 रंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए, आपको बताना है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हार्डवेयर। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, बताइए स्वामी महावीर की माता का नाम क्या था। आपको स्वामी महावीर की माता का नाम बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वामी महावीर ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आपको आंसर देना है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, स्वामी महावीर की माता का नाम, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा होगा, आप लोग आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, त्रिशला। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। आपको बताना है PMGY का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका आंसर बताइएगा, PMGY का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बी करेक्ट आंसर है, PMGY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए, बताइए कार का मात्रक क्या होता है। आपको कार का मात्रक बताना है, जूल, डाइन, न्यूटन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जूल कार का मात्रक है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है। अनब्रेकेबल बताइएगा किसकी आत्मकथा है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैरी कॉम की आत्मकथा है, और मैरी कॉम महिला बॉक्सर है भारत की, आप लोग जानते भी होंगे। 54 के लिए आंसर करिए, बताइए हजार द्वारी महल कहाँ पर है। आपको बताना है हजार द्वारी महल कहाँ पर है, असम, झारखंड, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल में।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल में हजारद्वारी महल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 55 के लिए आंसर करिएगा, चलिए इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे, आप लोग याद रखिएगा। इनका जो जन्म है पटना में हुआ था, पटना वर्तमान में बिहार की राजधानी है, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, और ये जो पटना है गंगा नदी के किनारे बसा है। पूछ सकते हैं किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी किनारे बसा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए, आपको बताना है आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब भेजा गया था, भारत का पहला उपग्रह था। गुड, देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 अप्रैल 1975 में। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर होगा इसका 1975 में। 57 के लिए आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कानपुर में। सी करेक्ट आंसर होगा कानपुर में, आप लोग याद रखिएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए, आपको बताना है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्नोलॉजी। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। 59 के लिए आंसर करिए, बताइए चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है। चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है चाइना का राष्ट्रीय खेल, टेबल टेनिस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, गुड मॉर्निंग सभी, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मार्शल आर्ट डम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है। अगर पूछा जाए डम्बे क्या है, तो ये एक मार्शल आर्ट है। क्या है डम्बे, मार्शल आर्ट है, और ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका, अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है मार्शल आर्ट डम्बे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, वेरी गुड।